मोशन। वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ वेव मोशन विद द हेल्प ऑफ ए स्टोरी। एक बार दो राजा थे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और सपोज यू से वन किंग वाज लिविंग एट दिल्ली एंड अदर वाज एट आगरा। होने वाला सिचुएशन ये थी कि दिल्ली जो राजा था उस पर अटैक होने वाला था, एंड एट दैट टाइम देयर वर नो मोबाइल और समथिंग लाइक दैट। बट जो आगरे वाला था उसका फ्रेंड था, ही वॉन्टेड टू नो कि जैसे दिल्ली में अटैक हो मुझे इन्फॉर्मेशन मिले। तो दे हैव अरेंज नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन दिल्ली टू आगरा, एंड दीज पर्सन आर सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस, एंड ईच पर्सन वॉज हैविंग अ ड्रम। जैसे दिल्ली पर अटैक हुआ, द पर्सन हु वॉज ऑब्जर्विंग दिस सिचुएशन वेरी क्लोज टू दिल्ली स्टार्टेड टू बीट द ड्रम। नेक्स्ट आदमी ने ड्रम की आवाज़ सुनी, उसने ड्रम को बीट किया, एंड फाइनली द पर्सन विच इज क्लोज टू दिस किंग वाज द आगरा स्टार्टेड टू बीट द ड्रम, एंड दिस पर्सन एट द आगरा गॉट द इन्फॉर्मेशन दैट अटैक हैपेंड एट दिल्ली। दिस इज द वेव मोशन। इट मीन्स डिस्टर्बेंस विच प्रोपोगेट द एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मैटर, इट इज नोन एज द वेव मोशन। डिस्टर्बेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ चला गया, बट पार्टिकल कैन नॉट डिसलोकेट फ्रॉम दिस देयर रेस्पेक्टिव पोजिशन, ओनली दे कैन मूव अप एंड डाउन। आपने देखा होगा वाटर्स में, अगर ये अगर वाटर सरफेस है, आप ऊपर से एक स्टोन डालते हो, रिपल्स बनती है। अगर यहाँ पे कोई लकड़ी का टुकड़ा है, कुछ भी समथिंग लाइक दैट, दिस wooden material will just move up and down, it cannot move this direction or this direction. It means medium particle cannot dislocate the respective position, only it can excite or it can vibrate. So wave is a disturbance which propagates energy and momentum from one place to other without the transport of matter. Matter cannot move.